इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेस्टेड इफ एल्स। जो पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन आ जाए इफ स्टेटमेंट कंडीशन, तो उसे कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स। जैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स उसी तरीके से, सिंटैक्स मींस वो फॉर्मेट जिसे कंपाइलर एक्सेप्ट करता है। इफ कंडीशन वन ये अगर ट्रू हुआ तो इतना लिख दें, एल्स अगर फॉल्स होगा तो जो स्टेटमेंट 3-4। इफ कंडीशन वन, तो इसी पे यहाँ पे चेक कर लें कंडीशन टू, और ये सही होगा तो स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर एंटर करेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो इधर चला जाएगा। यहीं पर ट्रू हुआ तो फिर अंदर आके फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये फिर कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ ये वाला चलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर आ जा रहा है, वो भी इफ कंडीशन, तो यहाँ पर कहेंगे इसे नेस्टेड इफ। मीन्स कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो नेस्टेड इफ आता है। अब जैसे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ से ये अगर डिसीजन बॉक्स, ये अगर कंडीशन, मान लीजिए कंडीशन वन है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो यहीं से जो स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा उसको कर सकते हैं हम लोग प्रिंट। इफ़ यहाँ से ट्रू है तो फिर से हम लोग कंडीशन को टेस्ट कर लें, मींस कंडीशन सेकंड को। ये भी अगर ट्रू हुआ तो जो स्टेटमेंट प्रिंट करना हो कर लें, एल्स फॉल्स होगा तो जो भी प्रिंट होगा स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग ट्रू है तो ट्रू के अंदर फिर से कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन वन अगर ये ट्रू है तो फिर कंडीशन प्रिंट कर दिया, इट मीन्स यहाँ से क्या होगा स्टेटमेंट वन। और अगर यहीं पर कंडीशन टू फॉल्स होता है तो यहाँ से स्टेटमेंट टू में आ जाता है। और अगर शुरू में ही यहाँ से ये फॉल्स हो जाता है, तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिखें स्टेटमेंट थ्री तो आ जाएगा स्टेटमेंट थ्री। इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ट्रू इफ कंडीशन वन इज ट्रू, देन मूव करेगा कंडीशन टू पे, अगर कंडीशन टू ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ की तरह। अगर यहीं पर कंडीशन सही है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, तो ये इधर आ जाएगा। स्टार्टिंग में ये अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट थ्री की तरफ मूव कर लेगा, और सारे स्टेटमेंट जो भी होगा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक एग्जांपल ले लें, देखें कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं कि लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर, तो थ्री नंबर सपोज ए बी सी, देर आर थ्री नंबर्स, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ लार्जेस्ट। तो इसमें से तीनों में से जो लार्जेस्ट है उसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करें कि ए और बी में चेक कर लें कि कौन सा बड़ा है। तो ए और बी में टेस्ट किए तो या तो ट्रू या तो फॉल्स, अगर ट्रू हुआ या फॉल्स होगा। ट्रू अगर हुआ तो ए इज़ ग्रेटर, और अगर ये फॉल्स हुआ इट मीन्स बी इज़ ग्रेटर। अब देखिए, अगर ए बड़ा है बी से तो ए हट गया। अब ए को कंपेयर कर लें किससे, सी से, तो C को A से कंपेयर कर लें। A अगर पहले से बड़ा है, B से कोई मतलब नहीं अब, तो A और C को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पर A फिर से ग्रेटर है, मीन्स A ग्रेटर देन B एंड A इज ऑल्सो ग्रेटर देन C, तो उस केस में A इज़ लार्जेस्ट। सपोज A से बड़ा C है, यहाँ
बी से बड़ा ए था तो अंत में सी इस लार्ज हो जाएगा। फिर इस केस में अगर शुरू में ही ए से बड़ा बी है तो बी बड़ा है तो बी और सी को हम लोग कंपेयर कर लें, क्योंकि ए छोटा है तो बी और सी को कंपेयर कर लें। इस जगह पे अगर बी बड़ा है सी से, बी बड़ा था ए से, तो उस केस में बी लार्ज होगा, एल्स यहाँ पे सी इस लार्ज मीन्स क्या होगा, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है तो सी बड़ा होगा, यहाँ फॉल्स के केस में, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू। इस तरह से लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर का हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। ये सब लार्ज होगा, ए इस लार्ज, यहाँ पर लार्ज, सी इस लार्ज, ये तब जो लार्जेस्ट होगा। इस तरह से हम लोग किसी नंबर को भी रख के हम लोग चेक कर रहे हैं, मान लीजिए 5 है, 15 है, 10 है, तो इस केस में हम लोग किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं, ए सपोज 5 और बी 15, कौन सा बड़ा है, तो यहाँ से 15 इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पर आ गया बी 15 और सी कितना है 10। अब यहाँ से चेक कर लें कि कौन सा बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर इस केस में, तो यहाँ पर 15 इज़ ग्रेटर, ओवरऑल 15 आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से बाकी कॉम्बिनेशन हम लोग रख के चेक कर सकते हैं कि इसका क्या लॉजिक होगा। तो ये है लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर का लॉजिक। अब इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ से ये सही है या गलत होगा, तो सही है तो यहाँ पर इफ़ क्या चेक किए, ए ग्रेटर देन सी, अगर यहाँ पर ए ही बड़ा हो गया तो क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ ए इस लार्ज एल्स, एल्स ए नहीं तो सी, प्रिंट एफ सी इस लार्ज, इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अब अगर ये सही नहीं है, ए बड़ा नहीं है बी से, इट मीन्स बी इज़ ग्रेटर, तो हम लोग यहीं पर चेक कर लेंगे इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसमें क्या होगा, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ बी इज़ लार्ज एल्स प्रिंट एफ सी इज़ लार्ज, इस तरह से हम लोग लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर का निकाल सकते हैं। अब इसी को हम लोग प्रोग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो सीधे सीधे इसी को लिख देंगे, ए बी सी तीन वैल्यू है, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वर्ड मेन से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे, तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी, तो डिक्लेयर कर दीजिए इंट ए बी एंड सी, डिक्लेरेशन हो गया। अब तीनों को हमें वैल्यू दे दें, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसी पर वो कंपैरिजन का काम करेगा, तो लिख सकते हैं प्रिंट एफ एंटर द थ्री नंबर्स, तीन नंबर एंटर कर दिए, और स्कैन से स्कैन एफ परसेंट साइन डी परसेंट डी और परसेंट साइन डी, तीनों के लिए एम परसेंट ए एम परसेंट बी एम परसेंट सी, तीनों के लिए हम लोगों ने वैल्यू दे दिया कीबोर्ड से। अब इस तीनों में से इन्हीं को हम लोग चेक कर लें लॉजिक से कि कौन से लार्जेस्ट होगा तीन में, तो ये लॉजिक जो होगा यहाँ से यही हम लोग लिख देंगे तीन वैल्यू रीड करने के बाद, मीन्स इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो यहीं चेक कर लेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन सी, ए बड़ा होगा बी से तो ए को हम लोग चेक कर सकते हैं, सी से भी अगर बड़ा है तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ ए इज लार्ज ए इज लार्ज। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इज लार्ज, बी इज लार्ज, सी इज लार्ज, लेकिन जो हम लोग का प्रोग्रामिंग होगा तो उसमें ए से मतलब नहीं है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर देखा था 15 लार्ज आना चाहिए 15, तो इसे हम थोड़ा सा अब हम लोग चेंज किया जाए फॉर्मेट में कि ए इज लार्ज मतलब किस तरह से आएगा, इसे भी हटा दें, ए इज लार्ज का मतलब हो रहा है कि हम लोग का जो ए की वैल्यू हो
ए की वैल्यू जो होगा उसको हम लोग चेक कर लें कि वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग एक फॉर्मेट और आ गया प्रिंट का, लार्ज या लार्जेस्ट इक्वल टू परसेंट साइन डी लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। इट मीन्स जो आंसर आएगा लार्ज इक्वल टू ए की जगह पर उसकी, ये परसेंट डी की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। एल्स एल्स प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लार्ज इक्वल टू परसेंट साइन डी, और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये हम लोग ए को चेक किए, ग्रेटर है भी तो ए से भी ग्रेटर सी है, तो ए एल सी। अब यहाँ से अगर ए ग्रेटर नहीं है बी है तो हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे प्रिंट एफ लार्ज इक्वल टू परसेंट साइन डी और बी इज ग्रेटर, अगर बी नहीं होगा तो सी हो जाएगा। एल्स एल्स प्रिंट एफ लार्ज इक्वल टू परसेंट साइन डी और यहाँ पे सी। इस तरह से बी सी चेक कर लिया, ए स्मॉल है तो यहीं से हट गया, बी और सी बचा, बी इज ग्रेटर देन सी तो ये बी हो जाएगा, एल सी इज ग्रेटर देन तो सी, अगर ये फॉल्स हुआ तो सी ग्रेटर देन। अब अगर हम लोग यहीं पर लगा दें गेट सी एच वगैरह लगा दें, गेट सी एच अगर लगा दे रहे हैं तो समझ ही सकते हैं क्या होगा, वहाँ पर करेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और इस आउटपुट को हम लोग बिना अल्ट एफ फाइव के चेक कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर लगाना है तो यहाँ पर सी एल आर एस सी आर लगा सकते हैं। अब देखिए प्रिंट एफ इस्तेमाल हुआ, स्कैन एफ, गेट सी एच, तो हेडर फाइल एज यूजल आप लोग यहाँ लगा लेंगे, हैश इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब इसी को देखिए ट्रेस करना हो तो यहाँ से आएंगे, यहाँ ये जनरेट कर देगा ए बी और सी। अब यहाँ पर आएंगे तो मॉनिटर पर देगा इस तरह से एंटर द नंबर, और तीन नंबर यहाँ से सप्लाई कर देंगे, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, ए बी सी को वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए हम लोग 5, 15 और 10 को इस तरह से सप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा 5 और 15 को, यहाँ 5 हो गया यहाँ 15 हो गया। अब ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो फॉल्स हुआ तो इधर आ गया, तो अब इधर आ गया। अब बी और सी में कंपेयर करेगा, यहाँ 15 हो गया यहाँ पर 10 हो गया। अब ये चेक करेगा तो ये देखो ट्रू है, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा लार्ज इक्वल टू 15, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी कॉम्बिनेशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कभी इसको 15 करके यहाँ 5 करके ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ये है नेस्टेड इफ एल्स। थैंक यू।